हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितिका आज आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, एकदम चीज़ी क्रंची गार्लिक ब्रेड। देखिए चीज़ कैसे पुल हो रहा है, जो बच्चों को तो पसंद आएगी ही, साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए कोई ज़्यादा हमें सामान भी नहीं चाहिए और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें गार्लिक बटर रेडी करना होगा। इसके लिए मैं 8 से 10 कलियां ले रही हूँ लहसुन की और उनको अच्छे से पीस लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, बट जो हम ऐसे करते हैं उससे हमें जो गार्लिक के चंक्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें और अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। जब बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो अब हम उसमें ऐड करेंगे चॉप जो हमने गार्लिक रेडी किया था वो, और गार्लिक और बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए गार्लिक को बटर में कुक होने दें और अब ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगैनो, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गार्लिक का फ्लेवर आ चुका है हमारे बटर में, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारा ये गार्लिक बटर रेडी है। अब 2-3 हरी मिर्च कट कर लेते हैं। ये देखिए मैं हरी मिर्च कैसे कट कर रही हूँ, एकदम डायगोनली, यानी इन्हें राउंड नहीं कट करा है, बस इसलिए ताकि अच्छी लगे उस पर गार्लिक ब्रेड पे, और पिज़्ज़ा हट वाला जो लुक है हमारा गार्लिक ब्रेड का वो आ जाए, वहाँ पर भी ऐसी डायगोनली जो हमें है हरी मिर्च मिलती है ना। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्रोसेस चीज़ और मोज़रेला चीज़। मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन लिया है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उस पर हमारी ये गोल वाली राउंड स्लाइसेस रखेंगे। अगर आपको ये राउंड स्लाइसेस नहीं मिलती तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा बर्गर बन आता है उसको सेंटर में से कट कर सकते हैं और जो उसका टॉप पार्ट है उसको रिमूव करके उसके बर्गर बन से दो हम जो है राउंड वाली ब्रेड बना सकते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा गार्लिक बटर लगा देते हैं, अच्छे से अप्लाई करना है गार्लिक बटर। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से बताऊँगी कि गार्लिक ब्रेड हम कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम थोड़ा सा जो हमने चीज़ रेडी किया था वो अप्लाई कर देंगे सारे हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उन पर। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज जो हमने ब्यूटीफुली कट करी हैं, थोड़े से अनियंस लगा देंगे हम अपने ब्रेड स्लाइसेस पर। अब चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर देते हैं। मैंने अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है 200 डिग्री सेल्सियस पर। ब्रेड के कॉर्नर्स पर थोड़ा बटर अप्लाई कर देंगे और अब हम इसको बेक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखें दोनों रॉड्स ऑन होना चाहिए और मिडल रैक पर बेक करेंगे। अब हम सेम पैन लेंगे जिस पर मैंने जो हमारा गार्लिक बटर है वो रेडी किया था और हमारे ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे और सेम प्रोसेस जो हमने अभी किया है, पहले बटर लगाया फिर चीज़ और फिर वो चिलीज लगाएंगे और थोड़े से आनियंस थोड़े से ऑलिव्स लगाए हैं मैंने इन ब्रेड्स पर। चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और अब इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारे ओवन वाले ब्रेड रेडी हैं आफ्टर 5 मिनट्स। देखिए एकदम क्रंची बने हैं। ये हमारे जो पैन वाले ब्रेड थे इनका भी अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया और ये बनकर रेडी हैं, तो चलिए सर्विंग की ओर चलते हैं। यह देखिए हमारे गार्लिक ब्रेड कितने अच्छे बने हैं और हमारा जो चीज़ पुल है वो कितना अच्छा हो रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं।